तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो V11 प्रो या फिर वीवो के किसी भी डिवाइस के नेटवर्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीवो V11 प्रो के नेटवर्क के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। काफी सारे कमेंट्स आ रही थी गाइस, कमेंट क्या आ रही थी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेटवर्क देख रहे हैं ये नेटवर्क यहाँ पे 4G लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो काफी सारी कमेंट्स मुझे आ रही थी कि भाई ये नेटवर्क कैसे ठीक कर सकते हैं, मेरा नेटवर्क गायब हो गया। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये कोई इतना ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपके मोबाइल पे अगर नेटवर्क 4G शो नहीं हो रहा है तो। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, बेशक वहां 4G शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप डाटा यूज कर रहे हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4G शो हो रहा है, बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी काफी सारी कमेंट्स आ रही थी कि इस पर वीडियो बनाओ, कैसे इसे ठीक से कर सकते हैं। तो फाइनली आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइस। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। तो चलिए मैं इस यहाँ से रिबूट कर देता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे रिबूट होना स्टार्ट हो गया है हमारा फोन। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, 1 से 2 सेकंड। और गाइस मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप अपने फोन को रखना चाहते हो सेफ कि आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, अदरवाइज छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो गाइस आपको क्या करना है कि 24 आवर्स के अंदर एक बार फोन को रिबूट जरूर कर लेना है। उससे क्या होता है कि अगर आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी, तो वो आपकी जो नॉर्मली रूप से ठीक हो जाती है बहुत ऑटोमेटिकली, और कोई भी प्रॉब्लम आएगा आगे को नहीं आ पाते। ठीक है, तो अभी आप गाइस देख सकते हैं कि मेरा जो 4G नेटवर्क था वो यहाँ पे शो करने लगा है। अभी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से शो कर रहा है और 4G लिखा हुआ आ गया है दोनों ही सिम पे, और आप देख सकते हैं कि ठीक हो गया है। तो बिना किसी प्रॉब्लम के ये मेरा नेटवर्क ठीक हो गया है। तो अदरवाइज गाइस आपको 24 घंटे के अंदर एक बार फोन को रिबूट करना जरूरी रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि 8-8, 9-9 दिन हो जाते हैं बट फोन को रिस्टार्ट नहीं करते हैं, रिबूट नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार फोन को रिबूट जरूर करना चाहिए 24 आवर्स के अंदर। जब भी आपको लगे कि हाँ मैं अभी फोन को रख रहा हूँ तो कोई नहीं, दिक्कत क्या है कि एक बार और बार ऑफ बटन को दबाइए, उससे क्या होगा, एक बार रिबूट करके छोड़ दीजिए, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, फोन जेब में रख लीजिए, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी, और फोन के अंदर जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, और भी किसी टॉपिक पे आपकी वीडियो है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।